दरभंगा में वह सब देखने को मिल रहा है जो आए दिन दूसरे जगह देखने को मिलता था। जी हां, रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक वाकया दरभंगा में देखने को मिल रहा है। मिर्जापुर के रहने वाले राजीव कुमार झा ने अपनी दुख भरी दास्तां मीडिया के सामने रखा है। कलयुग में कुछ भी होना संभव है, यह तो आपने सुना ही होगा और आए दिन आपने यह कहानी सुनी होगी। कोर्ट का चक्कर अपने से लेकर पराये तक लोग लगाते रहते हैं, लेकिन अब यह पिता और बेटे के बीच भी होने लगा है। यह पुरानी कहावत है, लेकिन अब जो हो रहा है वह शर्मसार कर देने वाला है। जहां अपने ही बेटे को जायदाद से बेदखल करने की बात सामने आई है, वहीं उनका बड़ा बेटा न्याय की गुहार लगा रहा है। उनका कहना है, मैंने अपना जीवन उनके साथ बिताया, शादी किए हुए 25 साल हो गए, मेरे पत्नी साथ में रही, उसी घर में मेरे बच्चे हुए और मैं आर्थिक रूप से घर को मजबूत किया। आज वह दिन आया है जब मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो हमारे भाई बहन के कहने पर मुझे जायदाद से बेदखल किया जा रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता आखिर दोष क्या है। वहीं उन्होंने बताया कि यह पूरा मामला न्यायालय में है, लेकिन प्रशासन के द्वारा मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। वहीं उन्होंने गुहार लगाई है लोगों से कि लोग हमें इसका जवाब दें, लोग ही फैसला करें ताकि हम गलत हैं या सही हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे मेरे पिता के द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन किसी के बहकावे में आकर मुझ पर जुल्म न ढाया जाए। वहीं पीड़िता ने क्या कुछ कहा है और पूरा मामला क्या है आपको सुनाएंगे। वहीं यदि दूसरा पक्ष इस पर बात रखेगा तो वह भी आपको दिखाऊंगा उनका क्या कहना है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और खबरों को अंत तक जरूर देखें। आखिर पीड़िता अपनों से ही क्यों परेशान है और उन्हें जायदाद से बेदखल क्यों किया जा रहा। ये घर का विवाद है, यहाँ से लेके और जो भी संपत्ति है गांव से लेके यहाँ तक का हमको जबरदस्ती निकाला जा रहा है, जबरदस्ती मारपीट किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, जो कि अभी ये सिविल सूट चल रहा है इस पे, और फिर भी हम सबको जबरदस्ती घर से निकाला जा रहा है बिना मतलब। सबसे बड़ा बेटा यही है, कमाने वाले थे, सारा घर का खर्चा उठाए थे, बहन का शादी किए, दोनों भाई का शादी में भी सहयोग किए हैं, जो भी घर का आर्थिक समस्या था दोनों अपना पिता पुत्र मिल के समस्या का समाधान करते थे। अब इस एज में मेरी बेटी 25 साल की हो गई है, एक दो बेटी है, इस एज में हमको घर से निकाला जा रहा है बिना मतलब का। वही देवर लोग, अभी छोटी वाली ननद को हम नहीं पसंद है तो वो अपना कर रही है बदमाशी मेरे साथ। अच्छा, क्या नाम है आपकी ननद? सुजाता झा। शादी कहाँ हुई है? उसकी ये गंगा पट्टी भी है। उनके क्या करते हैं? ये अभी यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, अमिताभ कुमार नाम है। एसडीएम कोर्ट में भी दिए थे तो वहाँ पे नहीं हुआ है, जो बोला जो नहीं बहू बेटा के प्रति इनका वैमनस्य का भावना है, आप लोग संपत्ति के लिए सिविल कोर्ट जाइए। हम लोग सिविल कोर्ट गए हैं, इस बीच में ये लोग मारपीट करके, गाली गलौज करके, तंग करके, तबाह करके, सब तरह से मानसिक हरासमेंट होता है। अब तो ये रेप का धमकी देने लगी है मेरी देवरानी, तो नहीं बोलते हैं जो तुम्हारा बाबा ये रोज रोज का है तो हम कितना देर यहाँ बैठा रहेंगे, तुम लोग अपना कुछ इंतजाम करो। रोज रोज गेट बंद कर देता है, मेन गेट का ताला बंद कर देता है उनके नाम से है, लेकिन हम भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। बहु होने के नाते हम भी पारिवारिक जो भी आर्थिक समस्या था उसमें सहयोग किए हैं। हमें ठीक रहने वाले हैं, वहाँ भी पैतृक संपत्ति से हमको वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। बेटी के साथ मारपीट होता है, जाते हैं तो भगा देता है, तुम्हारा कहीं कुछ नहीं है, जाओ सड़क पे जाओ, कहते हैं जो तुमको कहीं नहीं रहने देंगे, बस जहाँ जाओ सड़क पे जाओ। एक है संजीव कुमार झा, रंजीव कुमार झा, मनोज कुमार झा, छोटा देवर कभी नहीं तंग तबाह किए करने आए हैं, किसी भी सूरत में वो कभी नहीं आए हैं तंग तबाह करने। अब क्यों नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, वो इधर आते ही नहीं है कभी, अपना पटना में रह के अपना जॉब करते हैं, वहीं रहते हैं, शादी नहीं किए हैं, वो अपना न्यूट्रल रहते हैं, किसी के साइड नहीं बोलते हैं। दोनों बीच वाला है गांव का संपत्ति, वो इनसे जो छोटे भाई हैं वो कब्जा किए हुए हैं, मारपीट करते हैं, जाते हैं तो अधिकार है मेरा, हम इस घर के बहू हैं सर। अभी एक साल से लाइन के लिए लोग काटने के लिए मेरा दे दिए थे बिजली विभाग में, सास के नाम से लाइट है, वो काटने मेरी देवरानी ऊपर आके हमको चाकू मार दी थी, जिसपे थाना प्रभारी उसको 324 लगाए हैं, आके पूरा दिखे हैं कैमरा खोल के तो उसपे 324 लगाए हैं, जहाँ से ही मैं हमको सर आंख फोड़ने के लिए यहाँ चाकू मार दी थी, आंख तो बच गया चश्मा की वजह से, यहाँ चाकू बहुत गहरा। शादी कभी हुई थी? 96 में।
तब से आप ज्वाइन कर लेते जी? अलग कब से होंगे? अलग ये 13 में हम लोग यहाँ अलग हुए हैं। 13 और तब से ये विवाद चला है जी, 2013 से जी। इससे पहले भी ये लोग हमको एक बार मारपीट करके भगा दिए थे, तो फिर अपना समझौता करके लाए। फिर इन सबको लगा जो नहीं क्या, अपना 2 साल हम रहे माँ के यहाँ लक्ष्मी सागर में, पापा लोग इस बच्चा सबको एडमिशन करवाए, वही लोग खर्चा देते थे। फिर सबको लगा जो नहीं गलत है, जो भी हुआ होगा। तो हम लोग कोर्ट में एक पिटीशन दिए, हमको खर्चा चाहिए, 3 बच्चा को लेके हम कहाँ जाएंगे। तो फिर ये लोग लाए अपना समझौता करके। अभी अगर हमको उसी टाइम में कुछ रहता तो हम कहते कोर्ट में जो हमको मारपीट किया जाए, हम बोले नहीं सब हमको रहना है, सही से रहना है कोर्ट में। छोटी वाली नन उस टाइम में भी मारपीट करती थी मेरे साथ। तो मैं क्या में क्यों रहती है? पहले भी रहती थी, बिना मतलब का रहती थी। अब बीच में चली गई थी रायपुर, उनका हस्बैंड रायपुर में करते थे। अभी जब यहाँ प्रोफेसर का बहाली हुआ है मिथिला यूनिवर्सिटी में, तो उनको अपना जॉब हो गया है। फिर 2 साल हिस्ट्री डिपार्टमेंट में अमिताभ कुमार, पहले तो इन्हीं के तरफ थे, तो इन सबको फटकने नहीं देते थे। अब पता नहीं कोरोना के बाद वो लोग रहने लगे हैं, तो अब क्या किए हैं नहीं किए हैं तो वही जाने। हम लोग तो गलती नहीं करते हैं, दोनों साइड कैमरा लगा हुआ है, बड़ा बेटा के हैसियत से सारा देखभाल करते थे, अभी तक तो करते थे ना। हम इतना बुरे थे तो अभी तक ये लोग कैसे जिंदा रह गए? कोई नहीं रहता था देवर सब, तो हम लोग सेवा नहीं किए, देखभाल नहीं किए, तो हम लोग तो वो लोग तो बिलट के मर जाते ना। तो भी जिसका मतलब मान लीजिए एक फैमिली है, इसमें इस संपत्ति को लेकर के विवाद हो रहा है, तो आप चाहे कोर्ट का आदेश मानिए या सामाजिक स्तर पर इसको सुलझाइए। आप मेरी बेटी के साथ तो मारपीट नहीं कीजिएगा ना, हमको रेप का धमकी नहीं ना दीजिएगा संपत्ति के लिए, बिना मतलब का आप बेदखल कर रहे हैं। गलती तो दिखाइए जो हम क्या करते हैं, मारपीट करते हैं तो आप सबके हाथ में मोबाइल रहता है, खींच के दीजिए मीडिया में। सबूत चाहिए। आप ऐसे नहीं ना इल्जाम लगा सकते हैं, हर 2 दिन के बाद आप पुलिस मेरे घर नहीं ना भेज सकते हैं, घर को सर्च करवा देते हैं, मानवाधिकार आयोग में कंप्लेन। आप बूढ़े हैं तो इसका नजायज सब उनको लेकर के अपना कर रहे हैं सर। वो लोग आते रहते हैं अपना, अब कैमरा है, उस दिन भी गेट लगा दिया है तो हम दिखाते हैं खोल के, परसों भी किया है। साउंड आता है कैमरे में? नहीं साउंड तो नहीं आता, लेकिन दिखेगा ना जो गैदरिंग गेट बंद है। हाँ गैदरिंग तो होगा ना, आप तो उतना समझ जाए। ये परसों भी वो किया, मेरी बेटी के साथ किया है, उस जाम ऐसे करके इनके सामने में पटक दी मेरी देवरानी, मेरी छोटी वाली बेटी जो रहती है, क्योंकि ये वीडियो बना लेती है मोबाइल से कुछ कुछ। हाँ इसको तुम कैमरा, ये मोबाइल यहाँ इधर से आते हैं ना, तो शेड में कैमरा नहीं है, ये शेड अच्छा, से जो आते हैं है। हाँ तो वहाँ। क्या नाम हुआ आपका? सरिता झा। पति का नाम? राजीव कुमार झा। हिस्सेदार नहीं है, हम इस घर के हिस्सेदार हैं, मुझे जबरदस्ती बेदखल किया जा रहा है, सड़क पे लाया जा रहा है, बेटी के साथ मारपीट किया जा रहा है, बिना मतलब का आरोप लगाया जा रहा है, तरह तरह का इल्जाम लगा के हमको फंसाया जा रहा है, और किसी भी तरह से ये घर से निकल जाए यही ये लोग प्रयास में लगे रहते हैं। इसके लिए ये लोग तरह तरह का हथकंडा अपनाए रहते हैं, कभी गेट बंद कर देते हैं, कभी रेप का धमकी देते हैं, कभी मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, पुलिस को हर 3रा दिन बुला लेते हैं किसी न किसी बहाने। मेरा घर सर्च करवाया जा रहा है, हम बहुत परेशान हो गए, मेंटली परेशान हो गए। मेरी एक छोटी बेटी साथ में रहती है, वो कहीं नहीं हमको छोड़ के जा पाती है पढ़ाई लिखाई के चलते, उसका पढ़ाई लिखाई बात ही तो हो रहा है। मेंटल रूप से वो परेशान हो गई है, 20 साल की लड़की, उसको अभी से ही धमकी मिलने लगा, उसको पटक दिया जाता है अपने चाचा के द्वारा, चाची के द्वारा, सब देखते रहते हैं, अब वो गाली सुनती रहती है। यही एक परिवार का है महत्व, 25 साल जो बहू घर में रह गई है उसको आप बिना मतलब कारण निकाल रहे हैं। हम तो सब जगह बोलते हैं हम पे जांच बिठाइए, अगर हम दोषी हैं तो हमको जो सजा मिले समाज से कानून से हम मानने के लिए तैयार हैं, अगर हम दोषी नहीं हैं तो फिर हमको क्यों निकाला जा रहा है इस घर से। मैडम आपके ऊपर कोई एफआईआर हुआ है? हाँ हम पे हुआ है, बहुत सारा हुआ है, मेरे हस्बैंड पे हुआ है, मेरा भाई छोटा आता है मिलने तो उस पे हुआ है, और कहते हैं गेट लगा देते हैं ये मेरा देवर मेन गेट में, और कहते हैं मेरा जूता चाट के जाओ तब हम गेट खोलेंगे। हम 6 बजे अगर घर से निकल जाए तो कहते हैं रंडीबाजी करने जाती हो,
हम मिथिला पेंटिंग इस एज में, हम 50 साल के एज में हम मिथिला पेंटिंग अपने आप सीखे हैं। अगर मेरा कोई रिश्तेदार आ जाता है देख के, जो हमको एक दो दे दो, हम की कहते हैं जो मेरे पास है, तो कहता है डंडीबाजी का आटा चलाती है, घर से बाहर नहीं निकलो, कोई दाई नौकर मेरे पास नहीं आ सकती है, उस सबको मना करता है बिना अकारण, बिना मतलब का। हिस्सेदार हूँ किरायेदार नहीं, जो मुझे बिना मतलब घर से निकाला जाए। हम यही कहना चाहते हैं जो मेरा जो उचित हक हिस्सा है वो हमको मिलना चाहिए। एक बाप और बेटे में जो संबंध होना चाहिए उस हिसाब से हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए। वो मेरे भाई के दबाव में आकर के ऐसा करने लगे। आपकी बहनें यही रहती हैं? आती जाती रहती है। अच्छा, छोटी वाली कहाँ रहती है? लहरिया सराय में रहती है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार झा। जब हम स्कूल जाने के लिए तैयार हुए तो मेन गेट को बंद कर दिया मेरा भाई और मेरी भाभी, और कह रही थी जो नहीं जाने देंगे, और नहीं जाने दिया। पूरे दिन आपको घर ही पे रहे? पूरे दिन घर पर ही रखा। क्या ये पहली बार हुआ था? जी।